Chalo friends, just to write meaning of budgets. It is a statement. Likho meaning of budgets yaar. Kya IPCC mein chhod ke aaye the, get off it. It is a statement which is showing. It is a statement which is showing future estimates. एक स्टेटमेंट जैसा रहेगा फ्रेंड्स, वो अपने को क्या बताएगा अबाउट द फ्यूचर. ओके, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज शोइंग फ्यूचर एस्टिमेट्स. ओके, आगे आप लिखिए टाइप्स ऑफ बजट. सबसे पहले आप लिखिए सेल्स बजट. नंबर वन सेल्स बजट. नंबर वन सेल्स बजट. नंबर टू प्रोडक्शन बजट. नंबर टू प्रोडक्शन बजट. नंबर थ्री कंजम्पशन और यूसेज बजट. कंजम्पशन और यूसेज बजट. फोर्थ परचेज बजट. फिफ्थ लेबर और वेजेज बजट. लेबर और वेजेज बजट. नेक्स्ट एक्सपेंस बजट. सेवन फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट. नंबर एट मिसलिनियस बजट. अभी जैसे फ्रेंड्स सपोज स्टार्ट कैसे करते, क्योंकि इसका लिंक इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, राइट. एंड मैं आपको लिंक करके देता हूं विद इंडस्ट्री, राइट. अभी सपोज कोई भी आपने सीए पास करने के बाद कोई इंडस्ट्री ज्वाइन किया, एंड दैट इंडस्ट्री सपोज रिलायंस है आपके पास, और रिलायंस वाले आपको बोलते हैं कि कैन यू प्रिपेयर द परचेज बजट फॉर आवर कंपनी. आप किससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे. सपोज रिलायंस इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो आपको बोलते हैं कि आप हमारे लिए परचेज बजट बनाइए, राइट. आपने सीए पास किया, सीए पास करने के बाद आपसे बोलते हैं कि परचेज बजट आप बनाइए. कैसे स्टार्ट करेंगे, आप किससे बात करेंगे. नहीं, थोड़ा इन्वॉल्व हुई है फ्रेंड्स डिस्कशन में. आपको बोला उन्होंने कि अच्छा चलो हमारी कंपनी के लिए आप परचेज बजट बनाइए, आप किससे बात करेंगे. फिर यहां पे तो सब देके रखेगा क्वेश्चन में. एज ए कॉस्ट कंसल्टेंट हम लोग क्या करते हैं, हम किस किस को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, क्योंकि अगर वो सीक्वेंस आए ना तो आपके सम्स फटाफट हो जाएंगे. प्रोडक्शन मैनेजर से बात करेंगे. सेल्स डिपार्टमेंट से बात करेंगे. प्लीज इन्वॉल्व होइए थोड़ा, राइट. तो ही आपको ना सीक्वेंस याद आएगा. एग्जाम में क्या कैसे हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी, आपको स्टार्ट कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसा आप लोगों का आंसर आ रहा है, सेल्स मैनेजर से. भाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप कितना सेल करने वाले, हाउ मच यू आर गोइंग टू सेल. सपोज वो आपको बोलता है सर दिस मच आई एम गोइंग टू सेल, देन वी विल आस्क the same manager ki whether you want to take any, whether you wanted to keep any closing stock or not. तो आपको बोलता हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक मेरे को 2000 चाहिए, और सेल कितना होने वाला है 10,000. इसका मतलब आपको प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा 12,000. सीक्वेंस को समझो. एग्जाम में क्या सीक्वेंस आपको समझ में नहीं आती कि पहले क्या लेने का बाद में क्या लेने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. और दूसरा इसके अंदर जरा भी करेक्शन या वो नहीं चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाता है, मैनेजमेंट के पास. और मैनेजमेंट अगर देखेगा अरे ये इधर कट किया है ये किया है, तो आपका सैलरी जमेगा. एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट उनको लगे हाँ ये वर्किंग किया. तो पहले हम लोग किससे बात करेंगे, सेल्समैन. सेल्स मैनेजर ने बोला 10,000 का सेल होगा. देन वी विल आस्क कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है. सपोज बोलता है 2000, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है 4000, तो हम लोग प्रोडक्शन कितना करेंगे 8000.
8000 आपका प्रोडक्शन हो गया, नाउ यू कॉल योर प्रोडक्शन मैनेजर कि भाई हम लोगों को इस बार वी वॉन्टेड टू प्रोड्यूस 8000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1, नाउ वन यूनिट इज रिक्वायर्ड्स, बोला सर अगर फर्स्ट क्लास क्वालिटी का रहेगा तो 2.5 kg, इसका मतलब आपका कंजम्पशन क्या हुआ 8000 × 2.5 = 20,000। देन यू आस्क दैट मैनेजर, परचेज मैनेजर कि भाई 20,000 का कंजम्पशन है, तेरे स्टोर का क्या पोजीशन है, बोले सर एनी टाइम मुझे 4000 स्टॉक चाहिए रॉ मटेरियल का, इसका मतलब 20 इज योर कंजम्पशन एंड 4 इज योर क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको कितना परचेज करना पड़ेगा 24। सही है सुन, सपोज 6000 ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, आप कितना परचेज करेंगे 18000 आपका क्या हुआ परचेज क्वांटिटी, इन टू सपोज द परचेज रेट इज 2, आपका टोटल बजट हो गया 36000। तो कहां से स्टार्ट करेंगे आप, पहले सेल्स, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इक्वल टू कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू परचेज। सही है सुन, ओके तो एक जरा आप चार्ट बना लीजिए, सपोज अगर अपने को जाना है परचेज बजट के अंदर और राइट फ्रेंड्स, परचेज बजट इट मींस कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दिस इज रिलेटेड टू परचेज क्वांटिटी इंटू रेट फ्रेंड्स, एंड परचेज क्वांटिटी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन, योर प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाई रॉ मेटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स योर सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सही है सर, पहले किससे बात करेंगे, सेल्स मैनेजर से, सर हाउ मच यू आर गोइंग टू सेल, देन हाउ मच यू वांट टू कीप द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस ओपनिंग, सीक्वेंस को समझ लो क्योंकि अपने को सीक्वेंस ढूंढना है क्वेश्चन से, कैसे स्टार्ट करना है वो ट्रबल है, स्टार्टिंग ट्रबल है। सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंटू रॉ मेटेरियल इज कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू परचेज, परचेज इंटू रेट इक्वल टू परचेज, ओके। एंड जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उनको रिवाइज करते जाते हैं सीक्वेंस में, तो इसी सीक्वेंस में आप मॉड्यूल का एक सम लो, उन लोगों ने कैसे बजट बनाया देखो जरा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 155, सॉरी तो चार तरह का पेन क्यों यूज करती है, ओ नाइस, सो डू यू थिंक आई एम टीचिंग सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग ओवर, आओ देन यू से वेरी इंपॉर्टेंट, जरा भी मुझे करेक्शन नहीं चाहिए, हाँ पेरेंट्स को बुलाएगा नहीं तो, हाँ चलो ऑलराइट 155 फ्रेंड्स, ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड इट्स सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज इज एजेंडर, क्वार्टर 1, 2, 3, 4 द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 10,000 एंड कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 16,250 एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब सेल्स बोलो प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस उससे अपने को क्या मिल जाएगा प्रोडक्शन, देखो जरा सेल्स का टोटल करो 30,000 प्लस 37,500, निकिता कैलसी कुटे हैं 30,000 प्लस 37,500
प्लस 41,250 प्लस 45,000 153,750 एड क्लोजिंग स्टॉक 16,250 लेस ओपनिंग स्टॉक, अरे बोलो, इसका मतलब पूरे साल में वाल्केनी फ्रेंड्स कितना प्रोडक्शन होगा, 1,60,000। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। द प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ ईच क्वार्टर इज बेस्ड 80% सेल्स ऑफ द करेंट क्वार्टर एंड 20% सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर में हमारा प्रोडक्शन होगा 30,000 इंटू 80% प्लस 20% ऑफ 37,500। सही है सोनू? ऑलराइट। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000, क्लोजिंग स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन 5,000, ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट इज रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मेटेरियल। इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन कितना होने वाला है, 160, तो 160 इंटू 2 320,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 5 माइनस ओपनिंग स्टॉक 10, तो पूरे साल में कितना परचेस करेंगे, 315,000। सीक्वेंस मिल रहा है फ्रेंड्स, बोलो। द कंपनी प्रपोजेस टू परचेज द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स इन द प्रोपोर्शन एंड द प्राइसेज आर गिवन बिलो। इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग परचेज करेंगे 30% ऑफ 315,000, उसका रेट क्या रहेगा, 2। उसके बाद 50% उसका रेट क्या रहेगा, 3। उसके बाद 20% उसका रेट क्या रहेगा, 4। द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज रुपीज 20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज। नंबर 1 प्रोडक्शन बजट, नंबर 2 रॉ मेटेरियल और कंजम्पशन बजट, नंबर 3 रॉ मेटेरियल परचेज बजट, एंड नंबर 4 प्राइस स्टोर स्लेजर कार्ड ऑफ द रॉ मेटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट। बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग नाउ नो करेक्शन। हा नोट नंबर 6-1। स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन फॉर द ईयर सेल्स थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड 41,250 45,000 क्लोजिंग स्टॉक लेस सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। पहले किससे बात करेंगे, सेल्स मैनेजर से। उसने बोला आपने को पूरे साल में क्या सेल होगा, 153,750। इन द एग्जाम्स फ्रेंड द सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्टार्ट द सम। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फाइनल आंसर 1, वेरी सिस्टमेटिक राइट। स्टेटमेंट शोइंग
प्रोडक्शन बजट, वन टू थ्री फोर टोटल, प्रोडक्शन प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके फ्रेंड्स, 30,000 इंटू 80% थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड इंटू 20%, 37,500 इंटू 80% 41,250 इंटू 20%, 41,250 इंटू 80% 45,000 इंटू 40, एंड टोटल प्रोडक्शन होना चाहिए फ्रेंड्स 160. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना.